हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग 10th मैथ्स का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का प्रीवियस ईयर का पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा दैट हाउ वेल यू एक्चुअली आर प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो कि किस तरीके का पेपर आता है आपका केवी में। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5, इन दो नंबर्स का HCF 5 है एंड LCM ऑफ 35 एंड 45 इज 63 इनटू A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है आपकी फर्स्ट चैप्टर में दैट HCF इनटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपका 35 है, सेकंड नंबर 45 है, HCF आपको 5 दिया हुआ है। इस इक्वेशन से आप लोग LCM फाइंड कर सकते हैं, और उसने कहा है दैट 63 मल्टीप्लाइड बाय ए आपका LCM है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको 63 मल्टीप्लाइड बाय ए से आप इक्वेट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, HCF आपको दिया है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया है, LCM आपको 63 इंटू ए दिया है, तो LCM की जगह आप 63 इंटू ए लिख दीजिए, इससे सीधा आपकी ए की वैल्यू पता लग जाएगी आपको। आई थिंक सेकेंड वन विल बी बेटर, क्योंकि वन मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम हमें इस पर वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है, फाइंड द जीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी, इसके जीरोज़ आपको फाइंड करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करके आपको 10 चाहिए एंड ऐड करके आपको 7 चाहिए नंबर। सो कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, आप ये बीच की जो टर्म है 7 वाइज को स्प्लिट कर लीजिए, आपको इसके जीरोज़ पता लग जाएंगे। जीरोज़ के लिए आपको इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो यू हैव टू इक्वेट द पॉलीनोमियल बाय जीरो। नेक्स्ट इज, राइट द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ये जो आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, क्या कंडीशन होगी कि इनका एक यूनिक सोल्यूशन हो। यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन आपको पता है कब होता है, जब स्टार्टिंग के दो, सॉरी चलिए मैं बता ही देती हूँ, इसका आंसर होगा A1 A by L इक्वल होगा B by MK, बट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे C by NK। यही कंडीशन होती है ना आपकी, दैट A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। सो ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसमें से A और B की वैल्यू फाइंड करिए, जिससे इसकी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो। तो मैनी सोल्यूशन का केस क्या होता है, दैट A1 by A2 दैट मीन्स 3/5 इक्वल्स टू B1 by B2 दैट मीन्स माइनस A प्लस 1 by 1 minus 2a equals to C1 by C2 that means this by this। तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। एक बार इसको इस इक्वेशन से इक्वेट कर दीजिए, a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एक बार दिस बाय दिस जो भी होगा आपका उसको 3/5 से इक्वेट कर लीजिए, देन यू विल कम टू नो द आंसर ऑफ बोथ a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये टॉपिक एक्चुअली आउट ऑफ कोर्स हो गया फ्रॉम 2020, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आप नॉर्मल अगर इसके रूट्स निकालना चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अब नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ कोर्स, ये भी नहीं है। NCERT में ये फॉर्मूला आपको एक्चुअली दिया हुआ है, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों होते हैं, आपको बताया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या है, बट नीचे स्टार में लिखा हुआ है दैट दिस थिंग जो भी आपके ये फॉर्मूला है दिस इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता ही है, चाहे पीरियोडिक फर्स्ट हो, हाफ ईयरली हो, या फिर फाइनल एग्जाम्स हो आपके। सो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें लास्ट एक्सरसाइज में आपको प्रूव करना बताया हुआ है, आप इसको A/B से इक्वेट करते हैं, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से होता है आपका, जहाँ पे हम √3 को रैशनल लेके चलते हैं, बट एंड में कुछ कंडीशंस ऐसी आती है कि ये उनको फुलफिल नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी जो अजम्पशन है उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई √3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बट एन इरैशनल नंबर। नेक्स्ट इज, फॉर द गिवन पॉलीनोमियल, ये आपको एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज़ देन फाइंड। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज़ हैं आपके। तो देखिए, इससे हम जो इक्वेशन आपको दी होती है, इससे हम सिर्फ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका -B/A होता है, अल्फा बीटा आपका C/A होता है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए।
ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आपका उसी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों का एलसीएम क्या आया, बीटा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, ये इधर जाके अल्फ़ा स्क्वायर हो गया प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अब एक काम करिए, ऊपर जो डिनोमिनेट न्यूमरेटर है आपका उसमें प्लस टू ए बी कर लीजिए, टू अल्फ़ा बीटा कर लीजिए एंड माइनस टू अल्फ़ा बीटा कर लीजिए। अब ये एक सेकेंड, ये किसका फॉर्मूला है आपका, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, बीटा होल स्क्वायर एंड ये है आपका माइनस टू अल्फ़ा बीटा पीछे और नीचे है आपका अल्फ़ा बीटा। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि माइनस बी बाय ए होती है, आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि सी बाय ए होती है एंड अगेन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल नो दी आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है आपका, इसी तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर प्लस टू अल्फ़ा बीटा माइनस टू अल्फ़ा बीटा करके एक इक्वेशन कम्प्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, जनरली बच्चे एलिमिनेशन से ही करते हैं, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि आपको यही मेथड यूज़ करना है, जैसे इसने कहा है ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करना है आपको, तो आपको आंसर ग्राफ से ही निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों के ग्राफ्स बना लीजिए, दो इक्वेशंस दो वैल्यूज फाइंड करके, और जहाँ पर बोथ द ग्राफ्स, जहाँ पर दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को कट करेंगे, दैट विल बी आर सोल्यूशन, वो पॉइंट आपका सोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। ओके आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यूक्लिड लेमा 2020 के लिए आपका आउट ऑफ कोर्स है, बिकॉज कोविड 19 की वजह से द सीबीएसई हैड रिड्यूस द सिलेबस अप टू 30% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, उसमें नहीं है, बट एक्चुअली में वैसे आपका नॉर्मल सिलेबस में है और आपको पता होगा कि किस तरीके से इसको करना होता है। नॉर्मल सिलेबस इन द सेंस प्रैक्टिकल में आपका पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पर बी की वैल्यू अज्यूम करनी होती है, लेट बी बी 3 और ये स्पेसिफिक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें कि आप बी को 3 लेके चलते हैं, बिकॉज 9 से बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एंड देन आपको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यू हैव टू पुट दी वैल्यू ऑफ बी एंड आर की वैल्यूज आपको फाइंड करनी होती है। आर आपको पता होगा क्या कंडीशन होती है, आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन बी। सो आर यहाँ पर 0, 1, 2 हो जाएगा, आपके 3 इक्वेशंस बनेंगे, आप उन तीनों को सॉल्व करेंगे एंड देन शो करेंगे दैट क्यूब जो है उनके वो 9 मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 1 और मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 8 की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, 24 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक बोट जा रही है इन स्टिल वाटर, टेक 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम एट द सेम पॉइंट, फाइंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपकी दो स्पीड जो है मैटर करती है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, वन इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द अदर वन इज स्पीड ऑफ द बोट। तो एक को आप एक्स ले लेंगे, एक को आप वाई ले लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट आपने एक्स ली एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपने वाई ली। तो अपस्ट्रीम में आपकी जो स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, उसमें होगी एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी आपकी एक्स प्लस वाई। दोनों का आप टाइम निकाल लीजिए और अपस्ट्रीम का जो दोनों में आपको 24 किलोमीटर जाना है, तो अपस्ट्रीम में आपके जो टाइम लगेगा दैट विल बी ये एक्चुअली क्वेश्चन में आपको बोट की स्पीड दी हुई है 24, तो आपको सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड लेनी है। ओके, तो स्ट्रीम की स्पीड आप एक्स ले लीजिए, बोट की स्पीड 24 है, तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी 24 प्लस एक्स, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 24 माइनस एक्स। और उसने कहा है 32 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम से में एक घंटा ज़्यादा लगता है, तो अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा उसको 32 बाई 24 प्लस एक्स, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा 32 बाई 24 माइनस एक्स। और आप इसमें से अगर इस 32 बाई 24 माइनस एक्स अगर आप अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो द आंसर विल बी 1 और ये एक्चुअली आपका माइनस इज इक्वल्स टू 1। ये आपका क्वार्टिक का क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वार्टिक इक्वेशन बनेगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सेम क्वेश्चन आपका एक जो इसके जो पहला चैप्टर आपका क्वार्टिक से पहला लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वहाँ पर भी है, वहाँ पर आपके दोनों की स्पीड मिसिंग होती है, तो आपको एक को एक्स और एक को वाई लेके चलना पड़ता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा किस उसका क्वेश्चन है ये चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। एन सी आर टी में दो ऐसे क्वेश्चन हैं और ऑल्टरनेटिवली वो सी बी एस ई में रिपीट होते रहते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पता होगा आपको क्या करना है।
एक बार आप एक्स इज इक्वल्स टू रूट टू, अगर इसका जीरो है तो एक्स माइनस रूट टू आपका इसका एक फैक्टर हो जाता है, सिमिलरली एक्स प्लस रूट टू फैक्टर हो जाता है, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी फैक्टर हो जाएगी, तो एक फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो ये जो पॉलिनोमियल है आपका, आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करेंगे और जो आपका क्वेश्चेंट होगा उसके आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करेंगे और वो इसके अदर टू फैक्टर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है फिर से, सो 2 बाय दिस इज इक्वल्स टू 3 बाय दिस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाय दिस माइनस 3 ए प्लस बी माइनस 2। उसके बाद दो दो के पेयर बना लीजिए इक्वेशंस में, आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, एक बार इन दोनों को साथ ले लीजिए, एक बार इन दोनों को, एंड देन जो आपकी दो इक्वेशंस बनेगी आप उनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। ग्रेट, अच्छा क्वेश्चन है, दो डिजिट का नंबर, दो डिजिट का सम 7 है, सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, ओके। तो ये जो टू डिजिट का नंबर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो क्या करना होता है आपको, एक यूनिट डिजिट को आप एक्स ले लीजिए, सो टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट को वाई ले लीजिए, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी 10 वाई प्लस एक्स, ये ओरिजिनल नंबर होगा। उसके बाद अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो ये आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, ये टेंथ डिजिट हो जाएगी, उस टाइम आपका नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये दोनों इक्वेशन बना लीजिए, सबसे पहले इसने कहा है कि दोनों डिजिट्स का सम 7 है, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकेंड कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इसमें से इसको माइनस करके 2 रख दीजिए, सेकेंड इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन फाइनली द नंबर आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जहाँ पर आप 10 बाय एक्स प्लस वाई को पी या फिर क्यू ले लेते हैं, सॉरी नॉट 10, 1 बाय एक्स प्लस वाई एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई को आप वी ले लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन 10 यू प्लस 2 वी इज इक्वल्स टू 4 एंड 15 यू माइनस 5 वी इज इक्वल्स टू माइनस 2। इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाती है आपकी, देन आप एक्स और वाई की, ओके, देन आप यू और वी की वैल्यू निकालते हैं, फाइनली उसको इन वैल्यूज में पुट करके यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो दैट्स ऑल, ये आपका पेपर था, होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आते हो एंड समवेयर यू ऑल्सो विल कम टू नो दैट हाउ वेल यू आर प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन और कितनी आपको मेहनत की ज़रूरत है आगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट टैप ऑन दैट, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई आपकी क्लास की वीडियो आए तो यू विल कम टू नो। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।